सो गाइस, क्या आप भी किराया दे देकर परेशान हो चुके हैं और चाहते हैं कि दिल्ली एनसीआर में आपकी कोई प्रॉपर्टी हो जाए? तो ये वीडियो देख लीजिए, आपको आज प्रॉपर्टी मिलने वाली है दिल्ली एनसीआर की प्राइम लोकेशन पर। वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस, आप देख रहे हैं दिव्रुश प्रॉपर्टी व्लॉग। एक बार फिर आ गए हूँ आप सभी लोगों को लेके दिल्ली से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर प्रॉपर्टी दिखाने के लिए। सो बेसिकली जो लोकेशन है ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद की लोकेशन रहने वाली है। आसपास की लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो पूजा कॉलोनी, पावी पुश्ता, लोनी और सोनिया विहार, ये सारी लोकेशन आपको आसपास मिलने वाली है। अगर मैं बात करता हूं लोकेशन की, लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने लिए घर लेते हैं, तो ये ऐसी लोकेशन है जहां पर आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, एक एक करके आपको बताऊंगा। कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो आपको शिव विहार मेट्रो स्टेशन हार्डली 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाता है। उसके अलावा दिल्ली से लेकर देहरादून की तरफ जो एक्सप्रेसवे जा रहा है वो हार्डली 500 मीटर की दूरी पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो लोकेशन है इसलिए प्राइम मानी जाती है क्योंकि ट्रॉनिका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया पास में रहने वाला है, जहाँ पर आपको अच्छी खासी नौकरी मिल जाती हैं और काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। सो ये तो बात हुई आपकी कनेक्टिविटी के बारे में, और लोकेशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आसपास काफ़ी बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल्स मिल जाते हैं आपको, जिसमें कि आपको CPC स्कूल मिल जाता है, CRC मिल जाता है, FRG मिल जाता है, JR ग्लोबल स्कूल मिल जाता है, MK इंटरनेशनल स्कूल सोसाइटी के बिल्कुल सामने मिलता है, और काफ़ी बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल्स आपको विद इन 5 किलोमीटर्स की रेडियस में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर हेल्थ केयर के बारे में। सहारा क्लिनिक आपको मिल जाता है, जगमोहन हॉस्पिटल मिल जाता है, उसके अलावा यहाँ पर पतंजलि का मॉल आपको मिल जाता है। बच्चों के लिए यहाँ पर आपको मॉल भी मिल जाता है जहाँ पर आपको प्ले गेम्स वगैरह सारी चीज़ मिलेंगी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, सारी चीज़ें आपके आसपास रहने वाली हैं, डेली नीड्स की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जो भी कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो आपको सिर्फ वॉक करके जाना है। ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको ऑटो, ई रिक्शा सारी चीज़ें मिलेंगी। सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ पर आपको ट्रॉनिका सिटी का पुलिस थाना और आपको पावी पुश्ता का पुलिस थाना मिलेगा। सो ये तो बात हुई लोकेशन, USP और सराउंडिंग के बारे में। अगर हम रेलवे कनेक्टिविटी की बात करते हैं, यहाँ पर आपको नुसरताबाद खरखरी का रेलवे स्टेशन भी मिल जाता है। सो ये तो बात हुई लोकेशन, USP, सराउंडिंग और आसपास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं उसके बारे में। सो अब हम मिलेंगे यहाँ पर न्यू मतिशाह प्रॉपर्टीज़ के सेल्स मैनेजर से, जो हमें बताने वाले हैं आज क्या खास रहने वाला है, कौन सी नई साइट आ गई है, कौन सा नया प्राइस आ गया है, वो सारी चीज़ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं यहाँ पर न्यू मतिशाह प्रॉपर्टीज़ के आरिफ जी से। सो आरिफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी वीडियो में, और हमारे व्यूअर्स के लिए आज क्या खास लेके आए हैं आप? सर, सबसे पहले तो सभी अपने व्यूअर्स भाइयों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, कैम चो, जय हिंद, जय भारत। सर, आज की वीडियो में बहुत कुछ खास होने वाला है। मैं इस वीडियो में आपको आज ऐसी ऐसी खासियत बताऊंगा अपनी साइड के, जो मेरे क्लाइंट हैं, जो मेरे व्यूअर्स भाई हैं, जो मकान लेने की सोच रहे हैं और वो मकान नहीं ले पाते हैं जी, खास तौर पे उनके लिए मैं अच्छे अच्छे से ऑफर इसके लिए लेकर आऊँ, समय भी लेकर आऊँ। मतलब कहने का ये है कि आज आप किराए से मुक्ति दिलवाने वाले हैं। बिल्कुल। तो सर, जैसे मेरे व्यूअर्स भाई जानते हैं कि मैं समय समय पे और वक्त पे जैसे ही मैं अपने व्यूअर्स भाइयों के लिए अच्छी अच्छी लोकेशन की वीडियो लेके आता हूँ, नई नई साइडें लेके आता हूँ, जैसे कम प्राइस की और हैवी साइज की, हर तरह की आप मेरे पास में हर तरह की साइजें कॉलोनियाँ मिलेंगी। तो सर, जैसे मैं बताऊँ कि मेरे पास में जो सबसे कम जो प्लाट का टुकड़ा है वो 25 गज से लेके 1000 गज तक का टुकड़ा मेरे पास मिलता है। 25, 50, 100, 500 जितना लेना चाहो उतना ले सकते हो, जैसी आपका बजट है उस हिसाब से आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो सर, हम पहले हम देखना चाहेंगे कि ये आप मकान यहाँ पर बनाकर दे रहे हैं, किस किस तरीके के मकान दे रहे हैं और क्या कितने मकान आपने बनाकर दिए हैं? सर, ये आपके सामने 40 गज का मकान बना हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी फैमिली रह रही है गाइस। हाँ, इसमें एक मंजिल का मकान बना हुआ है ये, अभी ये अपने अंदर जैसे दोपहर का वक्त हो रहा है तो अपना आराम से रेस्ट कर रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं अंदर, ये खुद हमने ये बना कर दिया है। जैसे खाली प्लॉट की कीमत होती है हमारे पास में 50 गज की 4 लाख रुपए, अगर हम उसमें 3 लाख रुपए लगाते हैं तो टोटल अमाउंट बैठ जाती है उसकी 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए में खाली आप मेरे को 2 लाख रुपए दीजिए, 5 लाख रुपए मेरे को किस्तों में दीजिए, मैं आपको एक मंजिल का मकान तैयार करके दूंगा। तो सर, मैंने आपको जैसे दिखाया ये 40 गज का मकान है, आइए और मैं दिखाता हूँ जैसे मैं जिस तरीके का मकान मैं तैयार कर रहा हूँ, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो सर, जैसे आपने देख लिया 40 गज का मकान ही हो गया, यही मकान आपके बराबर में ये 30 गज का भी बन रहा है, पक्के मकान आपको बनाकर दिए जा रहे हैं गाइस। तो इसकी 30 गज का ये मकान है, इसमें हमने जो इसमें समय दिया है वो 36 महीने का हमने इसमें समय दिया है, और इसी तरीके से ये जैसे आप देख पा रहे हो ये बाउंड्री, जिन लोगों ने प्लॉट ले लिया वो उन्होंने ऑलरेडी बाउंड्री करा के रख रखी है यहाँ पर जी। और जैसे मैं आपकी यहाँ की लोकेशन की बात करूँ, मेरी जो ये लोकेशन है ये वाली जो साइड है, यहाँ पे चारों तरफ से आबादी है, यहाँ पे आपको हर चीज की सुविधाएं मिलती है। खास गाइस, आपको मैं दिखा देता हूँ, आरिफ जी मैं आपको रोकूंगा। सो गाइस, आप देख सकते हैं इस साइड पूरी बसावट रहने वाली है, और पीछे की तरफ सारे मकान आपको देखने को मिलेंगे, सारी तरफ आपको मकान देखने को मिलेंगे, बड़ी बड़ी कोठियां पीछे की तरफ आपको देखने को मिलेंगी, मेन रोड से बिल्कुल लगी हुई साइड रहने वाली है, जो मेन रोड है वो बिल्कुल पास में रहने वाली है। ये जो बाइक जा रही है ये मेन रोड आ गया, ये वाला
मेन रोड से ही सामने ही सारी पूरी कॉलोनी कटी हुई है मेरी। सो आरिफ जी, ये तो आपने कुछ मकान हमें दिखाए हैं, तो हम हमें ये बताइए कि यहाँ पर आप कुछ फैसिलिटीज भी करके दे रहे हैं, कितनी चौड़ी रोड है, क्या पानी की व्यवस्था है, क्या बिजली की व्यवस्था है, वो सारी चीज़ बताइए। सर सबसे पहले जो कॉलोनी के जो रास्तों की जीत होती है ना, कॉलोनी की जो जीत हो वो रास्तों से होती है जी। हमारे जो रास्ते हैं अंदर गलियों के जो रास्ते हैं, कम से कम जो रास्ता है हमारा 15 फुट का, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो रास्ता हमारा 18 फुट का है, बराबर वाला रास्ता हमारा 25 फुट का है, मेन रास्ता हमारा 30 फुट का है। जैसे भी लोकेशन पर लोगे, छोटा बड़ा प्लॉट लोगे, आपके हमारे व्यूवर्स भाई की पसंद से उसी रास्ते पर डन कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं चौड़ी सड़कें आपको मिल रही हैं, और सर यहाँ पर पानी की क्या व्यवस्था है, मीठा पानी है यहाँ पर? सर यहाँ पे अगर मैं MCD की पानी की बात करूँ तो टोटी का पानी सुबह शाम यहाँ पे पानी मिलेगा आपको, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, और वैसे अपना प्राइवेट पानी जो होता है सबमर्सिबल लगा सकते हैं, वो अपना 24 घंटे। बिजली कितने घंटे आती है सर? टाइम देख के 24 घंटे में से 22 घंटे यहाँ पे लाइट दी जाएगी। तो सर जैसे हम चलते आए हैं 18 फुट रास्ते पर चले हैं, चलते चलते अब देख रहा हूँ मैं आपको ये मकान, देख रहा हूँ कितना खूबसूरत मकान बना हुआ है ये। सो गाइस आप देख सकते हैं इस तरीके के पक्के मकान आपको बनाकर दिए जा रहे हैं, इधर भी आप देख सकते हैं मकान तैयार हो रहा है, यहाँ पर पूरी सोसाइटी डेवलप करके जा रही है, गेटेड कम्युनिटी आपको मिल रही है, सारी फैसिलिटीज सर बता रहे हैं यहाँ पर आपको मिलने वाली है, प्रॉपर पानी, बिजली, चौड़ी सड़कें, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए रहने वाला है। सर यहाँ पर रोजगार का, जैसे कि मुझे पता है ट्रॉनिका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पर लोग जॉब करने जाते हैं वहाँ पर? सर ये जितने भी मकान बने हुए हैं सारे मेरे जॉब वाले मेरे भाई हैं जी, हैं अपना मकान बना है, अपना किस्तों पे लिया है मकान, और यहीं पे 40-50 हज़ार के आसपास में फैक्ट्री एरिया है जो अपने जॉब वहाँ पे करते हैं, और अपने सबसे अच्छी बात क्या है कि अपना किराया ना देके अपने मकान की किस्तें दे रहे हैं। तो यहाँ आप घर के पास आपको फैक्ट्री एरिया मिल रहा है जिसमें कि आप जॉब कर सकते हैं, 15-20 हज़ार की नौकरी आपको आराम से मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, जब आप यहाँ पर बुक करेंगे अपना घर, कोई भी चीज़ें इन्वेस्ट करेंगे तो उससे पहले सारी जानकारी होना ज़रूरी है आपके लिए। तो सर अब हमें बताइए, जैसा कि आपने बताया मिनिमम से लेके मैक्सिमम, मिनिमम 25 गज का साइज यहाँ रहने वाला है जी, और मैक्सिमम जितना पॉकेट अलाउ करे कितना ले सकते हैं, तो क्या क्या प्राइसेस रहने वाले हैं सर? सर हमारे पास में 8-9 साइडें हैं, 8-9 साइडों के हर कॉलोनी का अलग अलग प्राइस है, जो सबसे कम प्राइस हमारा 8,000 रुपये गज से स्टार्टिंग होता है, और जो सबसे ज़्यादा जो प्राइस है हमारा 20,000 रुपये गज तक। तो यहाँ पर इस समय क्या रेट चल रहा होगा? यहाँ की जो लोकेशन है मेरी, जहाँ पे मैं फिलहाल मैं इस वाले रास्ते पकड़ा हूँ, यहाँ पे 12,000 रुपये गज का मेरा प्राइस है यहाँ पे जी, है, और जो मैं बराबर की बात करूँ, बिल्कुल जस्ट बराबर में बात करूँ, तो वहाँ पे 8,000, 9,000, 10,000, 12,000, 15,000, तो मतलब 8,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से आपको प्राइसेस मिलने वाले हैं। यहाँ पर 8 से 10 साइट अभी चल रही हैं, जो भी आपको पसंद आए उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर यहाँ पर आप किस तरीके से लेते हैं अमाउंट, मतलब क्या क्या फैसिलिटीज रहती हैं व्यूअर्स के लिए? अमाउंट हम इस तरीके से लेते हैं, पहली दफ़ा तो ब्याज मुक्त किस्तें हैं हमारी। बुकिंग का अमाउंट कुछ है? बुकिंग की अमाउंट जो अमाउंट हमारे अमाउंट है वो 2100 रुपये के, 2100 रुपये खाली आप हमारे को दीजिए, अपने टोकन कटाइए और अपने प्लॉट पर तुरंत कब्जा चालू कीजिए। बात करता हूँ मैं किस्तों की, किस तरीके से लेते हैं, लेके 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक आप कभी भी मेरे को किस्त दे सकते हो। और किस्तों पे ब्याज लगता है, और कितने महीने की किस्तें होती हैं? 36 महीने से लेके 48 महीने तक की हमारे पास में किस्तें हैं। कम से कम जो किस्तें आपको मेरे को देनी है, कम से कम 3,000 रुपये दीजिए, ऊपर आप कितना ही दे सकते हो। तो आपको बता दिया सर ने कि यहाँ पर ब्याज मुक्त किस्तों में आपको प्लॉट और इंडिपेंडेंट हाउस मिल रहे हैं जी। और सर ये जो घर आप बनवा कर दे रहे हैं, इनका मटेरियल भी आप लोग ही प्रोवाइड करते हैं? सर मैंने अभी आज जैसे बताया था आपको, जैसे मकान बनाने में 2 लाख रुपये का खर्चा आ रहा है जी, वो सारा का सारा मैं लगाऊंगा अपने पास जी, उसमें से खाली आपको मेरे को 1 लाख रुपये देना है, 1 लाख रुपये वो भी आपको मेरे को किस्तों में देना है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज आपको दी जा रही है, क्योंकि कोई भी जगह आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज होगा, लेकिन यहाँ पर ब्याज मुक्त किस्तें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। साथ ही साथ सर हमारे व्यूअर्स के लिए क्या खास ऑफर रहने वाला है इस वीडियो में? सर ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, आप मेरे से हर वीडियो के अंदर मेरे से कुछ सर ऑफर तो मिलना चाहिए ना सर, हमारे व्यूअर्स हमारे वैसे चैनल पर आते हैं। सोचा नहीं था अभी तक कुछ मतलब इस वाले मतलब की जमीन में देने के लिए, पर मैं फिर भी जब मेरे भाई ने सवाल किया तो मैं अपने व्यूअर्स भाई को 500 रुपये गज प्रति वर्ग गज का डिस्काउंट दूंगा। तो गाइज आप देख सकते हैं, अगर आप ये वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर इनके ऑफिस पर जाते हैं और वीडियो में दिए गए नंबर पे कॉल करते हैं, तो आपको डेफिनेटली 500 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से यहाँ पर आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलने वाले हैं। और जितनी जल्दी आप इसका ऑफर का कोई लिमिटेशन है सर, कब तक ये वैलिड है? तो सर मैं आपको ये भी बता दूं ये ऑफर मेरा कब तक रहने वाला है, कभी आप ये वीडियो मेरी याद देखो लेकर 6 महीने बाद हो कि अरे भाई आपने ये ऑफर बताया था, ये खाली इसी महीने तक है, ये जून तक है। तो कोई भी व्यूअर जो भी यहाँ पर बुक कराएगा वो 30 जून से पहले पहले कराता है, तो आपको 500 रुपये प्रति गज के हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा। सो गाइज अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर कोई भी चाहता है यहाँ पर इन्वेस्ट करना और अच्छी जगह पर एक अच्छा घर लेना, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आज ही अपनी साइट विजिट अरेंज कराएँ। साइट विजिट करने के बाद सारी चीज़ें समझने के बाद आप यहाँ पर बुकिंग करा सकते हैं।
इनके ऑफिस का एड्रेस गूगल लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सभी जानकारी आप फ़ोन पर ले सकते हैं आने से पहले, और शिवविहार मेट्रो स्टेशन पर आकर यहाँ पर फ़ोन कर सकते हैं, पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। सो अगर आप चाहते हैं विजिट करना तो जल्दी आइए और जल्दी से अपने सपनों का घर यहाँ बुक कराइए। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नए प्रोजेक्ट के साथ।